गांव बन के पहले सरकार को ऐसा लगा था कि गांव में जो पहले का किसान आंदोलन हुआ था उस किसान आंदोलन में हिंसा हुई थी, तो सरकार को ये डर था कि कहीं दोबारा ये हिंसा ना पैदा हो। तो इस गांव बन के पहले सरकार ने इस आंदोलन को, चाहे तो दमन कह लें सरकार का, उस दमन पूर्वक कार्रवाई के चलते पहले से ही बॉन्ड भरवा लिए कि मैं कोई उत्पाद नहीं मचाऊँगा, और ऐसे लोगों से भरवा लिए जो व्यापारी थे, जो अपने शांति से मेहनत मजदूरी करके पेट भरते थे, उन लोगों को बॉन्ड भरवा के फंसा दिया गया है। उनमें से हमारे पास दो चार ऐसे चंद बंधु है जो निर्दोष है, लेकिन वो सरकार उनको दोषी मानती है, उत्पादी मानती है। ऐसे ही लोगों से हम आपसे रूबरू करवाते हैं, चलते हैं हम आज मिलते हैं सबसे पहले शंकर बड़ोदिया जी से। शंकर जी, ये जो किसान गाँव बंद है, तो गांव बंद में सरकार ने बॉन्ड क्यों भरवाया? नहीं, जैसे क्या है कि न तो हमारे यहाँ पहले उत्पाद हुआ था और न अब हुआ है, मतलब हमारे इधर कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती कि यहाँ पे कोई जैसे उत्पाद मचाता है या कुछ करता है, उसके बावजूद भी इनके नाम दे दिए और नाम जिनके दिए कि यह कभी भी कोई लफड़े में कि इनकी कोई रिपोर्ट नहीं है अभी, उसके बाद इनके नाम आए। उसके लिए मतलब यह सब है कि यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं है कि जो यह हो, और इसलिए सरकार को मतलब मानना चाहिए कि किसान की कोई बात या कोई रखे तो उसका उनने कुछ किया ही नहीं ऐसा। उसके बाद भी मतलब यह जो जो कार्रवाई है कर रहे हैं और आगे चल रहा है काम। ये नहीं, सरकार को ऐसा क्यों डर लग रहा है? ये बॉन्ड सरकार को डर यह लग रहा है कि जैसे पहला उत्पाद हुआ अब नहीं हो, इसलिए उनने सब पीछे पहले से ही पुलिस लगा दी। तो हमारे इधर तो न पहले हुए थे और न अब है, ऐसा कोई लफड़ा ही नहीं कि जो लफड़ा हो गए उसके बाद भी इनके नाम ले लिए, वो इनका नाम बता दिए। अरविंद भाई, आपका नाम अभी एक उत्पाद गांव बंद के दौरान, आप तो आपकी तो मैंने सुना दुकान है। हाँ जी, दुकान है ना, तो आप तो दुकान में 24 घंटे बिजी रहते होंगे। बहुत ही उसके सुना है कि आपको किसान के रूप में, किसान न मानते हुए एक उत्पादी मान लिया गया है और आपसे एक बॉन्ड भरवाया गया है जी, कि गांव बंद के दौरान आप किसी भी प्रकार का उत्पाद नहीं करेंगे। क्या ये सच है कि आपसे एक बॉन्ड भरवाया गया? बॉन्ड भरवाया गया। तो क्या लगता है आपको कि गांव के लोगों के बीच में आप क्या उत्पादी हैं? कभी आपने कुछ ऐसा किया है? सर, हम तो गांव में सिर्फ सेवा करते हैं, यहाँ पे धार्मिक काम होते हैं हर बार और सामाजिक कार्य भी होते हैं, उसमें पूरा सहयोग देते हैं हम। उसमें ऐसा मतलब आप गांव में सर्वे कर लो, अभी आपसे दिखता हो तो आप गाँव में सर्वे कर लो कि हमने कभी आज तक हमें धार्मिक काम में काम किया गाँव में। और ये ब्रांड जो क्या ब्रांड भरवाए गए हमसे, उनमें ये लिखा है अगर आपने कुछ किया या कुछ पाएगा तो 50 पर ले आ जाएगा और 6 महीने के लिए आपको 6,000 होगी। आप तो जन अभियान परिषद से भी जुड़े हैं? जी, जन अभियान परिषद से जुड़े हैं। जन अभियान परिषद से सचिव पद पे हूँ मैं, ग्राम स्वराज समिति में पूरे सदस्य हूँ मैं और वन सुरक्षा समिति के सदस्य हूँ बिहार में। हमने सेवा ही की है, कभी ऐसा नहीं कि हमने कोई आंदोलन किया हो। आप विजय चौधरी? विजय भाई चौधरी, आप सुना है कि पूर्व में पंच रह चुके हैं? वर्तमान में? अच्छा, वर्तमान में। वर्तमान में पंच, मैं भी वर्तमान में वार्ड एवं 14 का पंच हूँ मैं भी, और पूर्व में ग्राम सुरक्षा समिति अध्यक्ष भी रह चुका हूँ मैं, और एक गांव में समाज सेवा भी करता हूँ मैं। जिसके बावजूद प्रशासन ने हमसे अपराधी मानकर बॉन्ड भरवाया गया है, और हम चाहते हैं, और एक छोटा सा किसान हूँ मैं गांव पिउड़ाएगा, और मैं चाहता हूँ कि जो भी किसानों ने मांग रखी है सरकार उसको शांतिपूर्वक माने और किसानों के हित में काम करे। ये जो सरकार है एक न तो किसानों के हित में काम कर रही है और न ही किसानों को कोई ऐसी कोई सुरक्षा दे रही है कि जिससे किसान कुछ कर सके। आज किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएँ हैं जो अभी तक लागू नहीं हुई है, जैसे हमारे किसान भाइयों को प्याज 2-3 रुपये किलो आज बेचना पड़ रहा है, और भावांतर में 8 रुपये किलो की उन्होंने मूल्य दर रखी है, फिर भी आज तक प्याज वापस नहीं खरीद रही है सरकार। और लहसुन, पिछले साल हमारा लहसुन कम से कम 80 रुपये किलो बिका था, और आज ये कंडीशन है कि कम से कम 6-7 रुपये किलो हमारा लहसुन बिक रहा है। तो इसके पीछे सरकार को कुछ न कुछ करना चाहिए, और हम इस मांग करने के दौरान हमने 10 दिन का आंदोलन रखा है, किसान आंदोलन। तो उसमें सरकार ने हमसे पहले से ही ऐसा कुछ कर दिया कि हम आंदोलन से दूर रहे, और हमसे
25,000 रुपए के बॉन्ड भरवाए गए हैं और पहले हमको तो घर बिठा दिया, मतलब कि आप कुछ भी उत्पाद नहीं करोगे, यानी हमने उत्पाद नहीं किया फिर भी पैसे डाले। और नेक्स्ट टाइम में जो हमारे गांव में आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में 10 दिन का आंदोलन था, शांतिपूर्वक आंदोलन हुआ था, कहीं हिंसाएं हुई थी, बाकी हमारा गांव एक ऐसा निर्दोष गांव है और इतना अच्छा गांव है, फिर भी यहां हमारे गांव में 8 आदमियों के बॉन्ड भरवाए गए जो मतलब है ही नहीं उसमें, उनसे भरवाए, मतलब उनने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया था इसलिए उनका नाम क्यों दिया। पहली बात तो ये कि कभी ये मतलब कोई झगड़े में नहीं है, कोई इनकी रिपोर्ट नहीं डली आज तक, उसके बाद इनका नाम क्यों लिखा गया। पहली बात तो यह हम चाहते हैं कि भाई वो लिखवाने वाले का नाम बताए कि किसने लिखवाया, वह चाहिए हमको कि भाई इनने तुम्हारा नाम लिखवा दिया था, भाई हम आपको इस नाम से मुक्त करते हैं, तो बस कोई बात नहीं। में जो भी 8 आदमी नहीं, मेरा एक ही कहना है आपसे, ये जो गांव बन में शासन प्रशासन जिस तरह की नीतियां, जिस तरह के दबाव प्रभाव, ये सरकार की नीतियां गलत है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? नहीं, ये सरकार की नीति पूरी गलत है, सरकार की नीति है ना, ये जो पूरी नीति गलत, मतलब नीति गलत चल रही है, इससे संतुष्ट नहीं किया, जब भी मांगी नहीं, किसान को दबाव।